Hello students, here is another video from the unit Professional Writing. In this video we are going to discuss something very important, very relevant for you, that is drafting email and a notice. इससे पिछला जो वीडियो था वो लेटर राइटिंग को लेकर था और उसमें डिटेल्स मैंने बहुत सारी दी थी आपको लेटर राइटिंग के बारे में, जॉब एप्लीकेशन के बारे में पिछला वीडियो भी था, उसको हमने आपको समझाया था कि जॉब एप्लीकेशन और उसके साथ में सीवी कैसे लिखें। कुछ ट्रेडिशनल चीजें थी जिन्हें भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ऐसे ही यहां पर भी हम बात करें अगर तो ये जो ईमेल है ये ज्यादा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। कागज पे जो लेटर हम लिखते हैं उसके जगह पर अगर हम एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे जीमेल है, याहू मेल है, इनके थ्रू अगर हम लेटर भेजते हैं, मेल भेजते हैं, तो उसे ईमेल कहते हैं। और नोटिस क्या चीज है? नोटिस बेसिकली स्कूल्स वगैरह में भी हमने लिखे हैं और वहां पर कुछ चीजों को सामने लाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, सबको सूचित करने के लिए जो लेटर लिखा जाता है, जो कॉरेस्पॉन्डेंस किया जाता है, पत्राचार जो होता है वो नोटिस कहलाता है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये भी अपने आप में, और उन्हें मैं यहां पर आपको बहुत छोटे से एक अच्छे से वीडियो, स्मॉल सी वीडियो के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं। यूनिट नंबर 4, टॉपिक 3, ड्राफ्टिंग ईमेल एंड नोटिस। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ नोटिस की बात करेंगे। व्हाट इज नोटिस? नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन और न्यूज अनाउंसमेंट। नोटिस बेसिकली एक प्रिंटेड इंफॉर्मेशन होती है या एक तरह का न्यूज अनाउंसमेंट होता है जिसमें हम कुछ सूचित करते हैं, किसी चीज के बारे में हम बताते हैं। नोटिसेस आर ईदर डिस्प्लेड एट प्रोमिनेंट प्लेसेस और पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। इनफैक्ट इससे पहले के वीडियो में हमने बात की थी ईमेल की, तो वो जो ईमेल के बारे में, जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि हम बात करेंगे, वो अब यहां करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम ईमेल्स को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नोटिस से पहले का जो वीडियो है वो ईमेल के बारे में है, वहां पर आप सब चीजों को आप जान सकते हैं, देख सकते हैं वहां पर। तो न्यूज़पेपर या मैगजीन्स के अंदर बेसिकली नोटिसेस आते रहते हैं, सूचना आती रहती है। इट इज मीन्ट ओनली फॉर अ सिलेक्ट ग्रुप। ये कुछ एक ग्रुप के लिए ही इंफॉर्मेशन होती है। सिंस अ नोटिस कंटेन अ फॉर्मल अनाउंसमेंट और इंफॉर्मेशन, इट्स टोन एंड स्टाइल इज फॉर्मल एंड फैक्चुअल। इट्स लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड फॉर्मल। नोटिस इज ऑलवेज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ये भी एक फॉर्मल राइटिंग के अंदर आता है और उसे हम जनरली तब लिखते हैं जब हमें एक पर्टिकुलर किसी ग्रुप को, पर्टिकुलर कुछ लोगों को किसी चीज के बारे में सूचित करना हो, जानकारी देनी हो। जैसा कि यहां कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं नोटिस के लिए, अडियर टू द स्पेसिफाइड वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स, 50 शब्दों की आप सीमा रखें। राइट द वर्ड नोटिस एट द टॉप, टॉप पर सबसे पहले नोटिस वर्ड लिखें। Name and place of the school, organization or office
इशूइंग द नोटिस शुड बी मैंशन। बेसिकली आपको उसमें अपने स्कूल के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जहां भी वो नोटिस लिखा गया है उसके बारे में बताना है। एक अप्रोप्रिएट हेडिंग आपको देनी चाहिए। राइट द डेट ऑफ इश्यूइंग द नोटिस, जिस तारीख को नोटिस इश्यू हो रहा है उसकी डेट होनी चाहिए। क्लियरली मेंशन द टारगेट ग्रुप फॉर हूम द नोटिस इज टू बी डिस्प्लेड, किसके लिए है ये नोटिस। पर्पस ऑफ द नोटिस, उद्देश्य क्या है इस नोटिस का। मेंशन ऑल द रेलेवेंट डिटेल्स, डेट, वेन्यू, टाइम, सारी इंफॉर्मेशन आप डेट की, स्थान की, समय की, वो भी आप देवें। सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इश्यूइंग द नोटिस, जो नोटिस को इश्यू कर रहे हैं, जो नोटिस को जारी कर रहे हैं, उसके सिग्नेचर हो, उसका नाम, उसका पद, वो भी वहां पर लिखा जाए। पुट द नोटिस इन अ बॉक्स, नोटिस को हमेशा एक बॉक्स में हम लिखते हैं। देखिए ये यहां पर एक नोटिस दिया हुआ है, जैसे फॉर्मेट है उसका, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस, वो आप यहां लिखेंगे, फिर एक हेडिंग देंगे, फिर आप डेट डालेंगे, फिर आप कंटेंट के अंदर जो भी आप मैसेज में लिखना चाहते हैं आप वो लिखेंगे, किसके बारे में है वो लिखेंगे, और इंपॉर्टेंट चीजें जो भी मैंने यहां दिखा रखी है आपको, डेट, टाइम, वेन्यू एंड ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट इज नीडेड। लेकिन ध्यान रखिएगा 50 शब्दों से ऊपर ये नहीं जाना चाहिए, 50 वर्ड्स, नीचे पे साइन और नेम, ये सब कुछ आप इसमें अगर लिखते हैं तो इट विल बी अ गुड नोटिस। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर एग्जाम्पल की, तो देखिए, एज प्रिंसिपल ऑफ सरदार पटेल विद्यालय लखनऊ, ड्राफ्ट नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स ऑफ द चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स विद इफेक्ट फ्रॉम द 1st ऑफ अक्टूबर, स्टेट वैलिड रीजंस फॉर द चेंज। आपको स्कूल का प्रिंसिपल बनाया गया है, यहां पर सरदार पटेल विद्यालय का प्रिंसिपल आपको माना गया है, और आपको एक नोटिस बनाना है जहां पर आप ये लिखेंगे, ये बताएंगे कि स्कूल की टाइमिंग चेंज हो रही है सर्दी की वजह से। तो देखिए आपने इसको बॉक्स में ले लिया है, ये बॉक्स में आपने इसको डाल दिया है, ऊपर आपने स्कूल का नाम दे दिया है, सरदार पटेल विद्यालय लखनऊ। देखिए ऊपर हमने किस तरह से दिया था, यहां आपको ये चीज हमने दी थी। आप चाहेंगे तो आप सबसे पहले यहां नोटिस वर्ड ही डालेंगे, और वही सही है, ये मिसप्रिंटिंग हो गया होगा, ये इसको आप नीचे कर लीजिएगा लाइक दिस, ये ऐसा आप कर सकते हैं, यहां पर यू आर फ्री, आप ये करने के लिए फ्री हैं बिल्कुल, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको जब लिखेंगे तो इट विल बी इजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। देन फिर आपने यहां लिखा है चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स, यानी ये आपने एक हेडिंग बना ली है, यहां पर हेडिंग आप दे सकते हैं और डेट उसके बाद आप डाल सकते हैं। तो हम यहां पर इसको भी हम कॉपी करके अलग कर देते हैं, देखिए हेडिंग को, चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स। इस तरीके से लाइक दिस, ये डेट है। उसके बाद देखिए छोटी सी इंफॉर्मेशन दी गई है, ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय, स्टूडेंट्स को हम एड्रेस कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए ये सूचना है। ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड अबाउट अ चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स फ्रॉम 1st अक्टूबर, द स्कूल विल नाउ स्टार्ट एट 9 AM एंड एंड एट 3 PM। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स इट हैज बीन सी दैट विंटर्स आर रादर सीवियर
एंड इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट टू स्टार्ट अर्ली ड्यू टू द एक्सट्रीम कोल्ड वेदर एंड द डेंस फॉग। बहुत ज़्यादा तेज सर्दी होती है और उसमें बड़ा मुश्किल होता है जल्दी शुरू करना, इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे ये ध्यान में रखकर देखा जाए कि किस तरीके से जो है स्कूल का कारण रहा कि उन्होंने इस टाइमिंग को चेंज किया, वो यहाँ पर जस्टिफाई किया जा रहा है। सो दीज न्यू टाइमिंग्स विल बी फॉलोड टिल फर्दर नोटिस। तो ये जो टाइमिंग्स हैं ये टाइमिंग आने वाले नेक्स्ट नोटिस तक भी फॉलो की जाएंगी। इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि कैसे इम्पोर्टेंट तरीके से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, स्टूडेंट्स के सामने ये बता दिया कि ये आप इसमें क्या लिखना चाह रहे हैं। बस ऐसे ही आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, उसे आप नोटिस के रूप में लिख सकते हैं। और भी अगर आपको नोटिस देखने हैं तो learncbse.in फ्री ऑफ कॉस्ट ये वेबसाइट है स्टूडेंट्स के लिए। और थैंक यू इन लोगों को कि ये इतना अच्छा मैटर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। वहां से आप ये मैटर देख सकते हैं, बहुत सारे नोटिस आप देख सकते हैं, सैंपल्स उनके पढ़ सकते हैं और आप उनसे सीख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं फिर आऊंगा और वो शायद ग्रामर सेक्शन होगा आपका। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खूब पढ़ाई करें, जमकर पढ़ाई करें और एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।